1912 के ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, जिम जो कि एक अमेरिकन इंडियन बैकग्राउंड से थे, वो इस ओलंपिक्स के 1500 मीटर रेस में भाग ले रहे थे। कुछ ही मिनटों में रेस का फाइनल आरंभ होने वाला था और जब उन्होंने अपने बैग में अपना जूता निकालने का प्रयास किया तो देखा कि जूते नहीं, गायब। अवाक रह गए कि अब कुछ मिनटों में रेस आरंभ होने वाला है, जूते नहीं है, मैं भागूंगा कैसे। इस दुविधा में थे, लेकिन क्षण भर के लिए विचार किया और कुछ मित्रों से पूछने लगे कि भाई जूता है क्या एक्स्ट्रा। तो एक ने एक छोटा वाला जूता का एक पीस था वो दे दिया और फिर कूड़ेदान में उनको एक बड़ा जूता मिल गया। दोनों को ये न के न प्रकारे न उन्होंने पहन लिया और पहनने के पश्चात 1500 मीटर रेस में जब भागे तो दुनिया दंग रह गई कि वो उस रेस में गोल्ड मेडल पा गए। अब एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि जिम के पास शिकायत करने के हजारों अलग अलग पॉइंट थे, लेकिन वो समझ गए कि जीवन में हमें चूज करने के लिए दो ही उपाय उपलब्ध हैं, या तो हम शिकायत करें या तो हम फल पाएं। तो उन्होंने सोचा कि शिकायत करके कोई लाभ नहीं, जो कुछ संभव है मुझे प्रयत्न करना चाहिए, और वो उस प्रयत्न में पूरी तरह जुट गए, जिसके कारण वो इतने बड़े एथलीट बनकर वो गोल्ड मेडल पा गए। तदा तद हमेशस्य भक्तानां शम अभीप्सत अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। तो जब नारद मुनि के माता का देहांत हुआ तब श्रीपाद नारद मुनि बिना कोई शिकायत किए भगवान श्री विष्णु को भक्तों के सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक के रूप में स्वीकार करते हुए वो उत्तर दिशा में हिमालय की ओर गए भगवान का आश्रय प्राप्त करने, ये समझ के कि ये आपत्ति वास्तव में भगवान के प्रेममयी बलिष्ठ भुजाओं के आलिंगन रूपी संपत्ति है और मैं केवल उनका स्मरण मात्र करूं और उसके परिणाम स्वरूप सब कुछ अवश्य सफल होगा।